मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी दादी है एक नई प्यारी कहानी के साथ, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। क्या आप जानने के लिए उत्सुक नहीं कि इस संसार की रचना कैसे हुई? नीला आसमान, टिमटिमाते तारे, रोशनी बिखेरता आसमान, चमचमाता चांद, नीला गहरा सागर, झिलझिल करते झरने, रंग बिरंगी तितलियां और कई प्रकार के जानवर, ऋतु जैसे ग्रीष्म, शीत, वर्षा और भी कई चीजें। तो बच्चों, अब हम देखते हैं एनिमेशन का रोमांचक रूप। हमारी आज की कहानी है नूह का जहाज। इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे बच्चों। बाइबल के अनुसार नूह के जहाज को प्रभु की आज्ञा के कारण बनाया गया था, ताकि उसके परिवार को बचा सके, साथ ही तरह तरह के जानवरों, जीव जंतुओं को प्रलय से उभार सके। नूह प्रभु द्वारा सृष्टि किया गया एक अद्भुत मनुष्य, जिसने संसार को नष्ट होने से बचाया था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। नूह के कारण आज संसार में अलग अलग तरह के मनुष्य और जानवरों को हम देख पा रहे हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा मनुष्य वंशज के माता और पिता थे, लेकिन ये नूह आया कहां से? मनुष्य वंशज में उसका क्या हाथ है? एक साधारण व्यक्ति होने पर भी कैसे उसने प्रभु की आशीष पाई और इस संसार को नष्ट होने से बचाया? आइए हम दृष्टि डालें कि किस तरह मनुष्य जाति की इस भूमि पर उत्पत्ति हुई। ऐसा क्या हुआ जिससे प्रभु क्रोधित हुआ? कैसे नूह प्रभु की उत्पीड़ना से बच पाया और जीव राशि को कैसे वो पृथ्वी पर वापस ला पाया? प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी पर हर जगह खालीपन था और अंधकार ही अंधकार था। पृथ्वी पर उजियारा हो। प्रभु ने उजियारे को अंधकार से अलग किया। उजियारे को सुबह का नाम दिया जाए और अंधकार को नाम दिया जाए रात का, और सांझ और भोर के पश्चात होगा पहला दिन। जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए।
ऊपर आकाश हो और नीचे सूखी भूमि। सूखी भूमि उद्भव हुई और प्रभु ने उसे नाम दिया पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न हो, पेड़ों पर फल लगे, हर जगह हरियाली हो और रंग बिरंगे फूल हों, फल हों, बीज हों और विविध प्रकार की झाड़ियां हों। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हुआ। परमेश्वर को यह सब कुछ मनोहरी लगा। पर्वत और पहाड़ियां हों और इन पर्वत और पहाड़ियों के बीच से पानी बहकर हरियाली तक बहे। परमेश्वर द्वारा सृष्टात्मक ये पृथ्वी सचमुच मनोहारी थी। हर जगह सुंदरता ही सुंदरता थी। प्रभु ने देखा कि सब कुछ ही अद्भुत था। प्रभु ने दो तरह की ज्योति की सृष्टि की, छोटी ज्योति रात के लिए और बड़ी ज्योति दिन के लिए। और फिर उसने बनाए तारागण और उन्हें नाम दिया चांद और सूरज। सूरज रोशनी और ऊर्जा प्रदान करे और चांद शांतता और ठंडाई दे। सूरज और चांद के कारण सारी पृथ्वी प्रकाशित थी। सूरज की तेज रोशनी से जगत का हर अणु प्रज्वलित था और चांद की रोशनी से जगत के हर भाग को आराम पहुंच रहा था। भूमि का हर भाग, सागर और वायु, इनमें जीव राशि भर जाए, हर जीव राशि में आत्मा रहे और इसमें आनंद भर जाए। इनके साथ ही रेगिस्तान भी हो, ज्वालामुखी और गर्म सोते भी हो, वसंत ऋतु भी हो और शीत ऋतु भी हो, बर्फ से सारे पर्वत ढक जाए। रेगिस्तान का उद्भव हुआ, झरने उभरे और उनसे निकला ठंडा और निर्मल जल, जिससे भूमि का ताप कम हुआ। हरियाली छाई, चंपा, चमेली, गुलाब जैसे सुगंधित पुष्पों का खिलना हुआ। बड़े बड़े पर्वत बर्फ से ढके थे। बर्फीले पर्वतों से बर्फ पिघलकर जल बना और बहता हुआ समतल भूमि तक पहुंच गया। तो सुंदर बर्फीले पर्वतों के साथ साथ धुंध, झरने, निर्मल जल, हरियाली, फल फूल भी उत्पन्न हुए। बड़े बड़े जंगल हों और इस जंगल में विशाल पेड़ हों, साथ में झाड़ियां और पौधे भी, गीली भूमि हो और इनके साथ झरने हों, अलग अलग तरह के कीड़े मकौड़े हों और ऐसे पक्षी हों जो हवा में उड़ सके, बन घना हो और उसमें बनीले फूलों की खुशबू चारों ओर छाई हो, साथ ही पक्षियों के चहक और कीड़ों का शोर हो। सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार ही हुआ। पृथ्वी इतनी सुंदर पहले कभी नहीं दिखी थी। अलग अलग तरह के जानवर हों, ऐसे जानवर जो बनेले भी हों और पालतू भी, ऐसे बनेले जानवर हों जिनके नाखून नोकीले और दांत पैने हों, पानी में जानवर हों और जानवर समतल भूमि पर भी हों। सिंह, शेर और चीता की भी सृष्टि हुई। हिरण, हाथी और भैंसे की भी प्रभु ने रचना की।
भंवरे और मधुमक्खियों की सृष्टि हुई जो खूबसूरत फूलों से मधु निचोड़ा करती थी। रेगिस्तान में ऊंटों की सृष्टि हुई। बर्फीले प्रदेशों में तिमी मत्स्य और बर्फीले भालू हुए। आसमान में सभी रंग के पक्षी हुए। हर जगह प्रकाश फैले, हर जगह गर्माहट भी हो, ठंड भी हो, गर्मी भी हो और बरसात भी हो, हर प्रकार का मौसम हो, ग्रीष्म, शीत और वसंत इत्यादि। सब कुछ प्रभु की इच्छा अनुसार ही हुआ। संसार रंगों से भरा था। सूरज की किरणों से सुबह हो, दोपहर गर्म हो, सुनहरी शाम हो और ठंडी रात हो। सूरज और चांद से दिन और रात निर्धारित हुए। समुद्र में जीव जंतु हो, छोटी और बड़ी मछलियां हो, हर प्रकार के और हर रंग के जानवर समुद्र में हो, सारे सागर मिलकर महासागर बने और नदियां और झरने इन महासागरों में मिल जाएं। सागर और महासागर हर प्रकार और रंगों के जीव जंतुओं से भरा था। आसमान में बादल हों और तारे हों, तारे झिलमिलाएं और आसमान में तारों की चादर बिछ जाए। बादल और तारे आ गए, संसार इनकी रोशनी से जगमगाने लगा। इन जलों की विशाल काया में जीवित जीव जंतु हों, भूमि पर विविध प्रकार के जीव जंतु हों और आसमान में पक्षी, मैं तुम सबको दुगना होने की आशीष देता हूं। इस भूमि पर जीवित या आजीवित जीव जंतु, पेड़ पौधे सब में बढ़ोतरी हुई। सब कुछ अच्छा था। इन सब पर राज करने और आनंद लेने के लिए कुछ करना आवश्यक था। अब मैं क्या करूं? इन सब को निहारने वाला कौन है? मुझे अपने ही प्रतिरूप किसी की सृष्टि करनी होगी जो कि मुझ द्वारा रचित इन सब पर राज कर सके और प्रसन्न हो सके, और जो बुद्धिशाली हो, उसमें इतनी बुद्धि हो जितने के अब तक किसी में भी नहीं थी। मुझे अपने ही प्रतिरूप एक आदमी को बनाने दो, उसका सागर की मछलियों पर आधिपत्य हो, हवा के पंछी, भूमि के जानवर और जो भी जीव जंतु हैं उन सब पर उसका अधिकार रहे। प्रभु ने आदमी की सृष्टि की और उसकी नथुनी में फूंक कर जीवन दान दिया और उसका नाम रखा आदम। फिर उसने सोचा कि आदम को साथी की जरूरत है ताकि वे साथ मिलकर सृष्टि का आनंद ले सके। वो नहीं चाहता था कि आदम अकेला पड़ जाए, इसलिए उसने आदम का साथ निभाने हव्वा की सृष्टि की, जो कि एक स्त्री थी। वो औरत की सृष्टि आदमी से करना चाहता था। आदमी की पसुली से औरत की सृष्टि हो और वो आदम का साथ निभाए, क्योंकि उसे बनाया गया है आदमी से। प्रभु ने आदम और हव्वा को बनाया, जो कि संसार के पहले पुरुष और स्त्री थी, और उन्हें देख देख कर वो बहुत ही प्रसन्नचित्त था। मुझे लगता है कि पृथ्वी अब संपूर्ण है, सारे आचर्य एक छत के नीचे, सारा प्रकाश, सारी सुंदरता स्वर्ग के नीचे। ये दोनों आदम और हव्वा सभी चीजों पर राज करें। हव्वा ने दो पुत्रों को जन्म दिया, केन और हाबिल। हव्वा ने नए जन्म पाने के दर्द का अनुभव किया जब उसने इन दो पुत्रों को जन्म दिया। केन बड़ा था और छोटा था हाबिल।
हाबिल अच्छी प्रवृत्ति का था और कैन बुरी। इन दोनों ने मिलकर वंश को आगे बढ़ाया। ऐसी तीन वंशें बीत गई। फिर आया नोह, जो कि आदम के वंश का था। कई कई वंशों के पश्चात आदमी और स्त्री की संख्या बढ़ती गई। आदमी लालची था, उनका कई स्त्रियों के साथ सहवास था। उनके मन बुरे विचारों से भरे थे, वे आपस में झगड़ते, एक दूसरे के साथ जलते और ईर्ष्या रखते। इस तरह पृथ्वी पर की शांति लुप्त हो गई। हर मनुष्य 300 या 400 सालों तक जिया, उनके जीवन में आदर्श नहीं था। स्त्रियां भी लालची थीं और आदमियों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को उकसाती थीं। हर कोई नशे में धुत होकर खुशी पाने का हर बुरा मार्ग अपनाता। किसी में भी प्रभु के प्रति भय नहीं रहा। हर आदमी या औरत यही समझते कि वे सबसे अधिक शक्तिशाली हैं और किसी का भी उन पर नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर बहुत चिंतित हो गया। वो नहीं चाहता था कि ये सारा वंश आगे बढ़े। वो चाहता था कि ये पूरी तरह नष्ट हो जाए। जिस किसी भी चीज की इतनी चाह से उसने सृष्टि की थी, वो उन सभी को मिटा देना चाहता था। वो उस आदमी को मिटा देना चाहता था जिसे इतनी चाह से उसने रचा था, ताकि संसार से सारी बुराइयां मिट जाए। जो कुछ भी मैंने रचा है उन सभी का मुझे नाश करना है। संपूर्ण रूप से इस पृथ्वी और इस पर रहने वाले सारे जीवित प्राणियों का मुझे नाश करने दो। मैं इन बुराइयों को और देखना नहीं चाहता। मुझे अपने किए पर पछतावा है। नूह आदम के वंशज का एक वृद्ध ही ऐसा व्यक्ति था जो सभ्य था, जो कि प्रभु का परम भक्त था। बचपन से ही वो सच्चा और ईमानदार था। वो हमेशा प्रभु की दया का पात्र था। सोचता, मनुष्य के जीने के लिए परमेश्वर ने कितनी अच्छी पृथ्वी रची है, और हमेशा अपने पिता और दादा परदादाओं की क्रियाओं से नाराज था। वो प्रभु के प्रति सच्चा था, अपनी क्रियाओं के प्रति ईमानदार था, और प्रभु ने जो कुछ भी दिया था उससे संतुष्ट था। उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, क्योंकि वो सदा प्रभु की प्रार्थना में लीन रहता। उसे लगने लगा था कि कुछ विनाश तो जरूर होने को है। नूह ने हृदय की गहराई से परमेश्वर की प्रार्थना की। मेरे परमेश्वर, मेरे रक्षक, मेरा मन पिछले कुछ दिनों से अशांत है। मुझे चैन नहीं है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने जा रहा है। न जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। प्रभु परमेश्वर, क्या तू मुझसे बात नहीं करेगा? मुझ में शांति नहीं लाएगा? मुझे अंदर से कुछ उकसा रहा है। हे शांति के प्रभु, कृपया मुझसे बात कर। नूह मेरे पुत्र, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम बहुत ही दयावान और आज्ञाकारी रहे हो। तुमने हमेशा सबसे प्यार किया है और किसी को दर्द नहीं दिया। लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैंने बहुत ही चाहत से इस पृथ्वी की रचना की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि हर कोई खुश रहे। लेकिन हर जगह सिर्फ उत्पीड़ना ही उत्पीड़ना है। हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। मैं घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना और हर जगह मृत्यु को नहीं देख सकता। इससे हर जगह दुख छा गया है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा और आगे हो। मैं इसका अंत कर देना चाहता हूं।
मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। हे परमेश्वर, कृपया ऐसी बातें मत कह, क्योंकि तू दयावान है। तूने ही तो हमें जीवन का दान दिया था। अगर तू ही नाश करना चाहता है तो रचने का क्या लाभ होगा? दूसरे जीव जंतुओं ने क्या भूल की है? तेरे द्वारा रचित हर सुंदरता का आनंद लेने के लिए मनुष्य का रहना जरूरी है। हम पर दया कीजिए प्रभु। नूह, पृथ्वी पर हर जगह हिंसा है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। हम पर दया कर परमेश्वर। मुझे अपनी चिंता नहीं है प्रभु, मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे आने वाले वंशज की चिंता है। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक वंशज बना रहे और तेरे द्वारा रची हर चीज का वो आनंद उठा सके। दया करके शांत हो जा मेरे प्रभु। नो, मैं केवल उन लोगों की रक्षा करूंगा जो अच्छे हैं। मेरी आज्ञा अनुसार करो। गोपर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है मिटा दूंगा। तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। हे अनुग्रही पिता, तेरी दया के लिए धन्यवाद। मैं तेरी इच्छा अनुसार करूंगा। नूह, तुम अपने वंश के सबसे धर्मी व्यक्ति हो। मैंने तुमसे जहाज इसलिए बनाने को कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, क्योंकि 40 दिन और 40 रात तक मैं जल बरसाता रहूंगा। जल प्रलय से भूमि नष्ट हो जाएगी, साथ ही भूमि के ऊपर की सारी वस्तुएं मिट जाएंगी। जो तुम जहाज के अंदर ले जाओगे वे बच जाएंगी। पिता परमेश्वर, तेरी दैविक दया को स्वीकारने के लिए मैंने अवश्य कुछ भला किया होगा। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी आज्ञा अनुसार करूंगा। नूह ने वैसा ही जहाज बनाया जैसा कि प्रभु ने निर्देश दिया था और अंदर प्रवेश किया। नूह ने अपने साथ अपनी पत्नी, 3 बेटे, बेटों की पत्नियों को साथ लिया और साथ ही पशु पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जीवों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। नूह अपने साथ कुछ मछलियों को भी ले गया। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा और लगातार बारिश होती रही और पानी गिरता रहा। बादल और भी काले और घने होते गए। जरा सा भी प्रकाश नहीं था। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वे भी डूब गए। पानी धरती के कोने कोने तक पहुंच गया। सारे वृक्ष उखड़ गए और पानी घरों के भीतर भी प्रवेश कर गया। सारे जीवित प्राणी बचाव के लिए उतारू हो गए। 40 दिनों की लगातार बारिश के कारण सारे जीव पानी में डूब गए। नूह का जहाज पानी की सतह पर चला गया। जो जो स्थल पर थे, यानी मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, जो भी भूमि पर थे, सभी पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे बच गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हे बलवंत प्रभु, क्या तू अभी भी क्रोधित है?
क्या तेरे क्रोध का अभी तक अंत नहीं हुआ? कृपा कर सारे जीवित प्राणियों पर अपनी करुणा दर्शा। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु पक्षी थे उन सभी की सुधि ली। उसने पृथ्वी पर पवन बहाई, जल घटने लगा। 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। सातवें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम के पहाड़ पर टिक गया। ओ, बारिश थम गई है, अब हम सब पूरी तरह सुरक्षित हैं। पृथ्वी दोबारा अपनी सुंदरता पा सकती है, सारे जीव जंतु जीवन फिर से पा सकते हैं। नूह ने अपने द्वारा बनाए गए जहाज की खिड़की को खोला और पूरब में उगते सूरज की किरणों के प्रकाश से उसे आशा नजर आई। नूह बहुत ही अचंभे में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रभु को अपनी कृतज्ञता दर्शाए। ओ मेरे अनुग्रही परमेश्वर, मैंने अभी तक तेरा क्रोध नहीं देखा था। मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह और इतनी दया देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। मैं बच गया, सारा जीवन बच जाएगा। पिता परमेश्वर, अब तू और क्रोधित न होना और तेरे द्वारा सृजित जीवों पर सदा अपनी कृपा बरसाते रहना प्रभु। हम तेरी दया की भीख मांगते हैं। नूह, सिर्फ तेरे ही कारण मैंने दोबारा इस पृथ्वी पर जीवन दान देने का निश्चय किया। तुम सभी को आशीष देता हूँ। धन्यवाद मेरे प्रिय प्रभु। नूह ने जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वो जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर नूह ने एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वो नूह के पास जहाज में लौट आई। तब और 7 दिन तक नूह ने जल के सूख जाने की प्रतीक्षा की। दोबारा कबूतरी को उड़ाया। जब वो लौटी तो उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता था। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और फिर वो उसके पास कभी लौट कर नहीं आई। नूह को पता चल गया कि बाहर निकलने का समय आ गया है। फिर 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। मेरे पुत्रों और सारे जीव जंतुओं, पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई है। चारों ओर प्रकाश फैला है, हर जगह रंग बिरंगे फूल और हरियाली है। प्रभु दया का प्रभु है और वो अब शांत है। हम सभी को इस जहाज से निकलकर अपनी अपनी जगहों पर जाना चाहिए और प्रभु द्वारा सृष्टि की गई पृथ्वी का आनंद लेना चाहिए। नूह ने प्रभु को कृतज्ञता और प्रेम दर्शाने के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु नूह से बहुत प्रसन्न था। मैं आगे से मनुष्यों को कभी शपित नहीं करूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले आएंगे। प्रभु ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा कि वे सच्चे और ईमानदार रहे। वे प्रभु की आशीष पाकर बहुत खुश थे। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र के सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, वे सब तुम्हारे आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे
छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। तेरी दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। नूह सभी प्राणी, पक्षी, मछलियां और रेंगने वाले जंतुओं को जहाज से बाहर ले गया। वे उजाला देखकर बहुत खुश हुए। वे सूखी धरती पर पहुंचे और सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। नूह के तीन बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष तक जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। इस तरह नूह की वंशावली सारी पृथ्वी पर फैल गई। नूह के पुत्र जो शेम, हाम और येपेत थे, उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। उनकी वंशावली इस तरह बढ़ती गई और वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व का कारण बने। दैविक अनुग्रह पाने के लिए ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आदमी बनना होगा। जो ईमानदार है और सच्चा है उसे प्रभु का अनुग्रह और आशीष अवश्य मिलेगी। प्रभु दया का प्रभु है और सही व्यक्ति को कभी भी शपित नहीं करेगा। ये सच्ची कथा ये दर्शाती है कि नूह जो धार्मिक और ईमानदार था, उसने अपनी भक्ति से पृथ्वी पर वंशजों को जीवित रखा। उसे प्रभु की आशीष प्राप्त थी। तो प्यारे बच्चों, आशा है तुम लोगों को ये रोमांचकारी सफर बहुत ही अच्छा लगा होगा, जहां तुमने देखा समुद्र, पर्वत और रेगिस्तान, साथ में सभी प्रकार के जानवर, पक्षी और मछलियां। बच्चों, इस कहानी के उद्देश्य को कभी मत भूलना। हमेशा सच्चे बनो, प्रभु के वचनों पर हमेशा ध्यान दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी एक और अद्भुत कहानी के साथ, जो इसी प्रकार बहुत अच्छी होगी। बाय बच्चों। We'll be right back.